पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसे तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती थी और वो भाषा थी बैट बॉल की। बस जैसे ही मौका मिलता वो निकल जाता मैच खेलने। उस दिन भी वो मैच खेलने ही गया था। उधर वो मैच खेल रहा था, उधर उसके पिताजी गेट पर पलक पावड़े बिछाए उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी थी जो किसी भी पल फट पड़ने को तैयार थी, और हाथों में थी एक मोटी सी छड़ी। घड़ी की टिक टिक बढ़ती सुई की तरह उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मैच खत्म हुआ तो घर को चल दिया, मस्त मौला अपने ही धुन में सवार। इस बात से अनजान कि आज एक बार फिर साक्षात पिताजी उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन आज वो कुछ बेफिक्री के अंदाज में था। बिना डर उसने घर में कदम रखना चाहा, लेकिन पिताजी ठहरे। पिताजी इससे पहले कि उसके कदम घर में पड़ते पिताजी की छड़ी चल पड़ी। वो रोया चिल्लाया, लेकिन छड़ी तब तक चलती रही जब तक पिताजी के हाथ नहीं थक गए। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, मैच खेलने का उससे अक्सर यही इनाम मिला करता था। जब उसे लगा कि पिताजी का गुस्सा शांत हो गया है तो वो पिताजी के पास गया और बताया कि उसने अपने खेल के दम पर एक मोटरसाइकिल जीती है। इतना सुनना था कि पिताजी की आंखें डबडब आईं। कुछ समय पहले तक जिन आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था उन्हीं आंखों में अब खुशी की अश्रुधारा बह रही थी। वो उठे, छड़ी उठाई और पूरा जोर लगाकर उसके दो टुकड़े कर दिए, और फिर उन दो टुकड़ों को इतनी दूर फेंक दिया कि फिर कभी उनके हाथ उस छड़ी तक ना पहुंच सके। वो जान चुके थे कि सात जनों के परिवार में एक यही है जो गरीबी के समंदर में हिचकोले खाती उनकी नैया को पार लगाएगा। आज सारी दुनिया उस लड़के की बात कर रही है, उसने जो किया उस पर कोई भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। सबने लाइव देखा, इसके बावजूद सबकी आंखों को एक धोखा ही लग रहा है। आखिर कितने खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवर की आखिरी पांच गेंदों पर पांच छक्के जड़ देने का मादा रखते हैं। लेकिन है एक बिरला जिसने ये नामुमकिन काम भी कर डाला। उसका नाम है रिंकू सिंह। Swatted away leg side, finds the gap. Extra cover six, don't see that. Oh, gone again, think it's gone all the way. Oh, it's gone again, would you believe it, 3-3. Six again, would you believe it? Extraordinary. Rinker Singh is cool as a cucumber, he's ice cold. ये वही रिंकू सिंह है जिसके पिताजी उसके खेल पर उसे छड़ी लेकर दौड़ा लिया करते थे, लेकिन उस समय मोटरसाइकिल ने उनकी सोच की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। उन्हें लगा कि अगर आज ये मोटरसाइकिल जीत सकता है तो उनकी किस्मत भी बदल सकता है। केकेआर के इस खिलाड़ी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। उस दिन जिसने भी इस खिलाड़ी को देखा वो उसका कायल हो गया। 9 अप्रैल 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, गुजरात टाइटंस और केकेआर का मुकाबला। गुजरात ने अपने होम ग्राउंड पर पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। केकेआर के लिए टारगेट मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं। इंपैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर 83 रन तो नीतीश राणा ने 29 गेंद पर 48 रन बनाए। एक बार को लगा कि ये जोड़ी आज केकेआर को जीत दिलाकर ही लौटेगी, लेकिन 14वें ओवर में नीतीश तो 16वें ओवर में वेंकटेश चलते बने। रही सही कसर राशिद खान ने पारी के 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर पूरी कर दी। वास्तव में राशिद ने रसेल, सुनील, नरेन और शार्दुल के विकेट चटकाकर केकेआर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। मैदान पर मौजूद थे रिंकू सिंह और उमेश यादव। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 29 रन। गुजरात टाइटंस के खेमे में जीत के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी। वहीं केकेआर की टीम और फैंस निराशा के गहरे समंदर में गोते लगा रहे थे। यशदयाल पारी का आखिरी ओवर लेकर के तैयार थे और उनके सामने थे उमेश यादव जो अब तक 5 गेंदों में 4 रन बना चुके थे। एक भी गेंद मिस होने का मतलब था केकेआर की हार। दयाल की पहली गेंद पर यादव ने सिंगल चुरा लिया। ये सिंगल शायद आईपीएल इतिहास का सबसे कीमती सिंगल होगा, और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सारी दुनिया सन्न रह गई। अगली 5 गेंदें और रिंकू सिंह के बल्ले से निकले 5 ताबड़तोड़ सनसनाते छक्के। आखिरी गेंद पर लगाए छक्के के साथ ही केकेआर ने एक अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली थी। नीतीश राणा ने रिंकू सिंह को सीने से लगा लिया और गुजरात के खेमे में सिर्फ और सिर्फ मायूसी। रिंकू सिंह ने शेर के जबड़े में हाथ डालकर जीत निकाल ली थी। रिंकू सिंह का नाम आज यूं ही सबकी जुबां पर नहीं है बल्कि इसके पीछे है उनकी कड़ी मेहनत और तपस्या। वो खुद को मुश्किलों में तपाकर खड़े सोने में अपने आप को तब्दील किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के रिंकू सिंह पढ़ने लिखने में हमेशा ही फिसड्डी रहे। ना तो उन्हें ए फॉर एप्पल समझ में आया ना कासिक कबूतर। अच्छी बात यह रही कि ये बहुत कम उम्र में ये समझ गए थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है, मतलब उनसे ना हो पाएगा। इसलिए एक बार 9वीं में फेल होने के बाद अपना समय और परिवार वालों का पैसा खर्च करने के बजाय पढ़ाई छोड़ देने में ही भलाई समझी। हाँ, उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, जैसे ही मौका मिलता निकल लेते। बेचारे पिताजी जो सिलेंडर डिलीवरी मैन थे
वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर गरीबी की दलदल में धंसे। बहुत समझाए कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन रिंकू सिंह को ये बात समझ में नहीं आई। आधी भी कैसे, खेल के अलावा कुछ आता हो तब ना। उन्हें मालूम था कि पढ़ाई लिखाई तो उनसे होने से रही, अब जो भी होना है खेल से और खेल के लिए ही होना है। बस उन्होंने खुद को झोंक दिया खेल की आग में, खुद को तपाने के लिए। हालांकि उनका परिवार बेहद मुफलिसी में जीवन जीने को मजबूर था। पिता खानचंद घर पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी किया करते और भाई भी छोटा मोटा काम कर लिया करते। सात जनों का परिवार दो कमरों के झोपड़े में रहते थे। पिताजी महीने भर में बमुश्किल 6-7 हजार जुटा पाते, उसी में सात जनों का गुजर बसर होता था। लेकिन आखिर कब तक, रिंकू को भी कुछ काम धंधा करने की नसीहत दी गई और उसे एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने का काम मिला। लेकिन उसे काम रास नहीं आया। आता भी कैसे, क्योंकि वो तो किसी और काम के लिए बना था। उसने घर वालों से एक मौका मांगा। घर वालों के सामने कोई और चारा भी नहीं बचा था और उस मोटरसाइकिल ने तो वैसे भी अपना काम कर दिया था। पिताजी ने उसी मोटरसाइकिल से सिलेंडर डिलीवरी शुरू कर दी थी। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। रिंकू सिंह के साथ भी यही हुआ। उनमें क्रिकेट के जुनून को देखते हुए कोच मसूद उस जाफर अमीनी और बिजनेसमैन अर्जुन सिंह फकीरा ने उनका साथ दिया। जिला लेवल पर अपने खेल की धूम मचाने के बाद 2012 में इनका सिलेक्शन अंडर 16 में हो गया तो 2013 में अंडर 19 टीम में भी चुन लिए गए। इस दौरान उन्होंने कई जबरदस्त पारियां खेली। 2015 में इनका सिलेक्शन यूपी की रणजी टीम में हो गया। लेकिन सफलता इतनी आसानी से भी नहीं मिलती है। कुछ लोग थे जिन्हें रिंकू सिंह की तरक्की रास नहीं आ रही थी। खुद रिंकू सिंह बताते हैं कि 2012 में अंडर 16 ट्रायल में उनका नाम आने के बाद कुछ लोगों ने उनका फॉर्म ही गायब करवा दिया था, जिसके चलते वो ट्रायल ही नहीं दे सके। एक बार को तो फिर से रिंकू सिंह को अपने सारे सपने बिखरते नजर आए। लेकिन यहां उनके लिए देवदूत बनकर आए उनके करीबी दोस्त जीशान, जिन्होंने यूपी के सिलेक्टर्स तक पूरा मामला पहुंचाया और इसका नतीजा ये हुआ कि रिंकू सिंह का दोबारा से ट्रायल करवाया गया। इसमें 154 रनों की पारी खेलकर रिंकू ने सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। 2017 के आईपीएल ऑक्शन में पहली बार किसी टीम ने इन्हें खरीदा था। किंग्स इलेवन पंजाब ने रिंकू सिंह को 10 लाख में खरीदा, लेकिन अफसोस रिंकू को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया। 2018 में रिंकू पर केकेआर की नजरें इनायत हुई और 80 लाख में खरीद लिए गए। जिस दौर में खिलाड़ी करोड़ों में बिक रहे हों, वहां 80 लाख कोई मायने नहीं रखते। हाँ, अगर खिलाड़ी रिंकू सिंह जैसा हो तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। ये उनके लिए आसमान मुट्ठी में करने जैसा है। खुद रिंकू सिंह ने बताया था कि आज तक उनके पूरे खानदान में एक साथ इतना रुपया किसी ने नहीं देखा था। वो खुद 20 लाख रुपए तक बिकने की बात सोच रहे थे और 80 लाख मिलने पर साथ में आसमान पर जा पहुंचे। हालांकि 2018, 19 और 20 में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और आईपीएल 2021 सीजन में चोट के चलते वो नहीं खेल सके। लेकिन जो इंसान बचपन में इतनी मुश्किलें झेल चुका हो, ऐसी छोटी मोटी चोटें उसका हौसला डिगाने का दम नहीं रखती है। हाँ, मंजिल तक का सफर थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन दूर नहीं। रिंकू सिंह खुद को साबित करने के लिए पूरी जी जान से जुट गए थे। तभी 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उस साल बीसीसीआई ने इनके क्रिकेट खेलने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। असल में रिंकू सिंह ने अबू धाबी में आयोजित रामदान T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन इसके लिए बीसीसीआई से परमिशन नहीं ली थी, जिसके चलते उन्हें बैन झेलना पड़ा। लेकिन ऐसी मुश्किलों ने इस खिलाड़ी को और मजबूत बना दिया। 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में खेली गई 42 रनों की धुआंधार पारी ने क्रिकेट प्रेमियों की जुबान तक उनका नाम पहुंचा दिया था। इस इनिंग के लिए रिंकू सिंह को अपने आईपीएल करियर का पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। बाकी 9 अप्रैल 2023 को खेली गई उनकी पारी को कोई भी क्रिकेट प्रेमी शायद ही भुला सके। केकेआर ने लगातार 6ठी बार रिंकू सिंह पर भरोसा जताया और इस बार रिंकू सिंह ने ऐतिहासिक पारी खेल करके बता दिया कि उन पर किया गया भरोसा यूं ही नहीं था। रिंकू सिंह ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि जल्द ही रिंकू सिंह का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर की लिस्ट में शुमार होगा। रिंकू सिंह हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने साबित किया है कि मुश्किलों में हारना जीवन नहीं, बल्कि मुश्किलों से जूझना, लड़ना और फिर उन्हें पटखनी देकर जीत हासिल करना ही असली जीवन है। अभी तो आईपीएल की शुरुआत भर है, हो सकता है कि आगे रिंकू सिंह के बल्ले से और धमाकेदार पारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी दर्शकों के भारी डिमांड पर आई है। हम पहले भी एक वीडियो रिंकू सिंह पर कर चुके हैं क्रिक माइंड के चैनल पर, तो आप सभी के प्यार को देखते हुए ये वीडियो आई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।